दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अमीरे के मामले में दुनिया में सातवें स्थान पर है। एक ऐसा देश जहां के लोग पैसा इतना कमाते हैं कि उनके अंदर पैसे की गर्मी होती है। ये वो देश है जहां से एक समय में भारत ने एक साथ सबसे ज्यादा भारतीयों को एयरलिफ्ट किया था। शायद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुवैत, और ये भी बताएंगे कि क्यों ये देश इतना खास है। अगर जानना है ये सभी बातें तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर है। आपको बता दें कि इस कुवैत का हार्ट भी कहा जाता है, जिसकी सीमाएं इराक और सऊदी अरब के साथ जुड़ी हुई है। फारस की खाड़ी के तट पर स्थित इस शहर में संसद भवन तथा अधिकांश सरकारी ऑफिसेज हैं। देश की राजनीतिक राजधानी होने के साथ साथ इसे देश की सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी भी माना जाता है। कुवैत की बहुत सी बड़ी कंपनियों और निकायों के मुख्यालय यहां स्थित है। इसके साथ ही ये अरब जगत का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे देश है जिसके एक से ज्यादा नाम होते हैं। हमारे देश को ही देख लीजिए, कितने सारे नाम है ना। इसी तरह कुवैत देश का भी पूरा नाम है दवालात अल कुवैत। भले ही कुवैत एक बेहद अमीर देश है, लेकिन ये बहुत छोटा देश है और जनसंख्या भी बेहद कम। आपको जानकर हैरानी होगी कि 17,818 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल वाले इस देश की आबादी दिल्ली के किसी बड़ी कॉलोनी से भी कम है। लेकिन लोग कम हो तो क्या, फिर भी इस देश में बहुत ज्यादा दम है। देश में कुल 45 लाख लोग हैं जो कि कुवैतियन हैं, बाकी वीजा पर गए हैं और काम कर रहे हैं। 45 लाख आबादी वाले देश में तकरीबन 30 लाख लोग तो कुवैत सिटी में ही रहते हैं। इस लिहाज से कुवैत शहरी पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का नंबर वन देश है। दोस्तों क्या आपको पता है कि कुवैत की करेंसी क्या है? नहीं पता तो चलिए हम बता देते हैं। कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। और पता है क्या, कुवैती दिनार दुनिया में सबसे महंगी करेंसी में से एक है। आपको बता दें कि सन 2013 में कुवैती करेंसी को दुनिया का सबसे महंगी करेंसी का दर्जा मिला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुवैती करेंसी हमारे भारतीय करेंसी से कितनी ज्यादा है, तो सुनिए जनाब, आज के वक्त में एक कुवैती दिनार करीब 242 भारतीय रुपयों के बराबर है। कुवैत जाने का प्लान है क्या, सोच लीजिए जरा। दोस्तों दुनिया के सबसे गर्म देशों की लिस्ट में कुवैत भी आता है। कुवैत तो छोड़िए, सारे अरब देशों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी की वजह से वहाँ के लोगों की हालत खराब हो जाती है। आपको पता है कि वहाँ दिन में टेम्परेचर कितना होता है? ये 55 डिग्री तक चला जाता है। जी हाँ, 55 डिग्री, सोचिए कितना गर्म होगा। वैसे दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर आप कुवैत की लड़कियों को देख लेंगे ना, तो आपकी गर्मी के साथ साथ बेचैनी भी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि कुवैत की लड़कियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। दुनिया के सबसे खूबसूरत औरतों वाले देशों की अगर बात करें तो कुवैत इसमें बहुत ऊपर है। अगर आपसे मुलाकात किसी कुवैती लड़की से हो गई ना, तो यकीनन आप उसे देखते ही रह जाएंगे। कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है और ये अपना 60% तेल एशिया में ही निर्यात करता है। कुवैत का तेल भंडार विश्व का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसकी खोज सन 1934 में हुई। लेकिन सन 1961 तक कुवैत के ऊपर ब्रिटेन का राज हुआ करता था। अपने शासन काल में ब्रिटिशों ने उन सारे तेल के भंडार को अपने कब्जे में लेकर दुनिया के बाकी देशों से खूब पैसे लूटे। हमारे देश को भी किस तरह लूटे थे ब्रिटिश ने, सभी जानते हैं। दोस्तों कुवैत इतना अमीर देश है, ये तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं कुवैत के लोगों की, जिसके पास है बेशुमार दौलत। यहाँ के ज्यादातर आबादी काफी रिच है और इनकी दौलत का जलवा लोगों को काफी भाता है। आप यकीन कर सकेंगे कि यहाँ एक आदमी की आय $71,000 है। जी हाँ, सही सुना आपने, $71,000, यानी करीब 53 लाख। यहाँ के लगभग हर एक के पास अपनी अपनी कंपनी होती है, इसीलिए कहा जाता है कि कुवैत की कुल 70% आय वहाँ के इंडस्ट्रीज से प्राप्त होती है। भाई पैसा है तो इनकी लाइफस्टाइल कैसे होंगे, आप खुद इमेजिन करिए। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं यहाँ के लोग, एक से बढ़कर एक शानदार घरों में रहते हैं ये लोग। कहा जाता है कि कुवैत में किसी का भी घर 4 बेडरूम से कम नहीं होता, सबके सब रईस है यहाँ पर। दोस्तों कुवैत एक मुस्लिम देश है और यहाँ कुछ कानून बहुत सख्त है। ये दुनिया के उन देशों में आता है जहाँ पर शराब पीना, बेचना या लेकर आने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहाँ शराब पीते हुए पकड़े गए तो समझिए कि आपकी खैर नहीं, जेल की हवा खानी पड़ेगी भाई ऐसा करने पर। कुवैत में अगर आप किसी महिला को कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो वो महिला आपके पास वो गिफ्ट लेने के लिए नहीं आ सकती, बल्कि यहाँ के नियम के अनुसार उसकी जगह पर उसके माता पिता या उसका भाई आएगा। याद रखिएगा दोस्तों इस बात को, अगर कुवैत में कोई महिला आपकी फ्रेंड बन जाए तो। दोस्तों कुवैत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पारिवारिक माने जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक कुवैत के लोग अपने खाली समय में सिर्फ और सिर्फ परिवार और अपने गिने चुने दोस्तों के साथ ही बिताना पसंद करते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात जो हमें कुवैत से सीखनी चाहिए। वैसे आप अपने परिवार को कितना समय देते हैं, बताइए कमेंट्स में। दोस्तों कुवैत में बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पानी की कमी पड़ती रहती है। यहाँ
समंदरी नमकीन पानी को मशीन के द्वारा नॉर्मल वाटर में तब्दील किया जाता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है। भले ही इस देश में कोई नदी नहीं है, लेकिन प्रति व्यक्ति पानी की खपत के मामले में यह देश पूरी दुनिया में टॉप 10 देशों में शामिल है। 2005 में कुवैत ने एक बहुत बड़ा घास का गोल्फ ग्राउंड बना लिया। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आपको बताना चाहेंगे कि गोल्फ ग्राउंड को हरा भरा रखने के लिए सबसे ज्यादा मीठे पानी की जरूरत होती है, और जिस देश में समुद्र के पानी को साफ करके पीने के लायक बनाया जाता हो वहाँ के लिए ये बहुत बड़ी बात। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुवैत में पीने वाले पानी की कीमत खाना बनाने वाली गैस से कहीं ज्यादा है? वैसे दोस्तों कहा जाता है कि कुवैत की रात बड़ी हसीन होती है, खूबसूरत लड़कियां डांस करती है बहुत सारे अलग अलग क्लब्स में। दोस्तों क्या आपको पता है कि कुवैत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जहां रेलगाड़ी नहीं चलती, और इसकी वजह ये है कि ये देश समतल रेगिस्तान के ऊपर बसा हुआ है। ट्रेन न होने के कारण कुवैत में कारों की संख्या बहुत है। दोस्तों कैसा लगा कुवैत? आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। जाना चाहेंगे आप वहाँ तो कमेंट्स कीजिए हमें। संग में आप मुझे ये भी बता दीजिए कि अगली वीडियो मैं किस देश पर लेकर आऊं। धन्यवाद।